वो भी अभिनय आप करते, लेकिन भीतर से आप उनमें आसक्त नहीं थे। एक बार आपने मन में अनुभव किया कि जब तक भगवान सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक लोग कर्म में, सत्कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, और जैसे ही सूर्य अस्ताचल को चले जाते हैं अंधकार छा जाता है, अब फिर तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, चोरी चोरी कर चोर चोरी करने की बात सोचते हैं, व्यभिचारी पुरुष अपनी वासना पूर्ति में लग जाते हैं। तो चोरी जारी आदि समाप्त करने के लिए क्यों ना हम रात्रि को ही मिटा दें। तो सूर्य तो 24 घंटे चलते हैं, आपने अपने योग बल से सूर्य के समान प्रकाश प्राप्त किया, एक दिव्य रथ में आप विराजमान हो गए, और जहां जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता पीछे से आप सूर्य बनकर प्रकाश करते। तो 7 दिन 7 रात्रि तक रात्रि भई ही नहीं, दिन ही दिन बना रहा। आपके रथ की धुरी से पृथ्वी के 7 भाग हो गए, 7 समुद्र हो गए, और महाराज ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, और श्री ब्रह्मा जी ने कहा, राजन आपका इतना ही पराक्रम पर्याप्त है, आपने पृथ्वी के 7 भाग कर दिए। देखो इन शरीरधारियों को विश्राम देने के लिए हमने रात्रि का निर्माण किया है, तो आप विश्राम ही नहीं मिलेगा तो कर्म करने की क्षमता घट जाएगी। विश्राम वस्तुतः जीव को कहाँ मिलता है? निद्रा से मिलता विश्राम नहीं मिलता, बिस्तर पर मिलता विश्राम नहीं मिलता, सुषुप्ति की अवस्था में समस्त जीवों को भगवान की अंक में ही विश्राम प्राप्त होता है। सुषुप्ति और समाधि में अंतर क्या है? समाधि में भगवान की अनुभूति का सुख है, और सुषुप्ति में भगवान में है पर भगवान की अनुभूति का सुख नहीं, इतना ही तो अंतर है, और क्या अंतर है? इसलिए सुषुप्ति भी समाधि की जैसी है, हम लोगों का रोज भगवान से मिलना होता है, भगवान की गोद में ही थोड़ी देर विश्राम करके नई चेतना नई शक्ति लेकर हम लोग बाहर आते। निद्रा बहुत जरूरी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन महाराज ऐसे ऐसे भजनानंदी संत हुए जिन्होंने निद्रा को भी भगा दिया। हम लोग कहाँ गए थे राजस्थान में, कौन सा गांव का नाम भूल गए, मेड़ता में थी ना कथा, तो एक गांव में गए थे जहाँ राम स्नेही संप्रदाय की परंपरा का स्थान है, गांव का नाम हम भूल गए, खेड़ा, ये तो सब बड़ी पीठ है, एक नहीं शाहपुरा रेण खेड़ा पने वहाँ एक गांव है, ना गांव का नाम हम भूल, वो संत थे महाराज जी, राम नाम का जप किया उन्होंने, खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी के पेड़ पे वो चढ़ जाते और वहां बैठकर हरि नाम करते, और नीचे तालाब खूब गहरा पानी, वो इसलिए उस डाली पर बैठ के भजन करते कि नींद आएगी तो गिरेंगे, तो गिर के डूब जाएंगे इस डर के मारे नींद नहीं आवे, इसके लिए वो बैठते ऐसी जगह बैठते कि बस झोंका आया कि गिरना पक्का है।